दोस्तों सेल के बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं, लेटेस्ट डिविडेंड और बिजनेस एनालिसिस 2023 का हम करने वाले हैं और हम कुछ कॉन्सेप्ट्स भी समझने वाले हैं वीडियो में। तो देखिए सबसे पहले डिविडेंड, कितना डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड 50 पैसा का सेल के द्वारा डिविडेंड हो रहा है। और क्या इंपॉर्टेंट डेट है, सितंबर 20 जो कि एक्स डिविडेंड डेट होने वाली है, मतलब सितंबर 20 से पहले जिनके पास भी स्टॉक है वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल है। अब एजीएम या एनुअल जनरल मीटिंग कब होगा, सितंबर 27 को होने वाला है और जो पेमेंट है सितंबर 27 जो एजीएम है उसके 30 डेज के अंदर में हो जाएगा। अब डिविडेंड अगर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो इससे पहले एक 1 रुपीज का डिविडेंड आया था जो कि इंटरिम डिविडेंड था, तो 1 प्लस अभी 50 पैसा, तो टोटल 1 रुपीज 50 पैसे का टोटल फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड सेल के द्वारा हो रहा है जो कि कम है लास्ट फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में। साइक्लिकल कंपनी है, स्टील कंपनी है सेल, और उस पर हम और चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले प्रोडक्शन का डेटा जान लेते हैं। देखिए नाम में ही स्टील है तो स्टील प्रोडक्शन करते हैं और पिछले फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड स्टील प्रोडक्शन उन्होंने किया था, कितना 18.3 मिलियन टन। क्वार्टर वन के अभी कुछ दिनों पहले रिजल्ट आए थे, 4.7 मिलियन टन उन्होंने प्रोडक्शन किया था जो कि इंक्रीज किया था लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, बट यस क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा कम हुआ था। अब देखिए बहुत सारे नंबर्स आपके सामने होंगे लेकिन मैं आपको कुछ नंबर पे फोकस करने के लिए आपको मैं कहूंगा। तो देखिए सबसे पहले सेल्स की बात करते हैं कि भाई जो स्टील्स जो है वो सेल कर पा रहे हैं कि नहीं। तो देखिए लास्ट ईयर 23,843 करोड़ का सेल्स टर्नओवर था, इस बार 24,093 करोड़, मतलब सेल टर्नओवर जो है वो बराबर से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। लेकिन जब हम अर्निंग्स की बात करते हैं जो एबिट्टा से हमको पता चलेगा, वहां पर एक बहुत बड़ा चेंज है। लास्ट ईयर सेल्स उन्होंने 23,843 करोड़ का किया, कमाया कितना 2,606 करोड़, इस बार भी सेल्स थोड़ा सा इनफैक्ट ज्यादा है लेकिन देखिए 2,090 करोड़ उन्होंने कमाया, मतलब कम कमाया है। प्रॉफिट लास्ट ईयर ज्यादा थे 776 करोड़, इस बार नेट प्रॉफिट 150 करोड़ यहां पर हो गए हैं। तो चीजों को और समझना है और क्या है यहां पर चीजें, देखिए सेल्स तो हमको पता है लगभग सेम है या इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो रॉ मटेरियल है, स्टील बनाना है तो रॉ मटेरियल क्या है, यहां पर कोकिंग कोल या कोयला है, कोयला का प्राइस इंक्रीज हो गया है और कोयला का प्राइस इंक्रीज होने से क्या हो रहा है कि जो उनका खर्चा है या जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ जा रहे हैं और उससे क्या इंपैक्ट पड़ जा रहा है मार्जिन्स पर और जो एबिट्टा है वहां पर इंपैक्ट पड़ जा रहा है। फिर दूसरी चीज है यहां पर, ये देखिए जो फाइनेंस कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हुआ है 374 करोड़ से 613 करोड़, तो ओवरऑल आपका प्रॉफिट और कम हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो डेट जो है या जो इंटरेस्ट जो है वो जरूर बढ़ा होगा, जो इंटरेस्ट पेमेंट है जो हम थोड़ी देर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दो चीज तो हमको पता चल रही है जब हम स्टील अथॉरिटी के जो रिजल्ट्स आए हैं उससे हमको पता चल रहा है। नेक्स्ट अब मैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, वो है नेटवर्थ का। अब नेटवर्थ क्या होता है, जैसे सेल का नेटवर्थ, अब ये मार्च का मैं डेटा लेता हूं, कितना है 52,139 करोड़ इसके आसपास में है नेटवर्थ। नेटवर्थ मतलब क्या है, चलिए हमारी आपकी पर्सनल लाइफ की बात करते हैं। सोच लीजिए आपके पास 3 करोड़ रुपीज का आपके पास टोटल, सोच लीजिए आपके पास चाहे वो सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, उसका पोर्टफोलियो है, ठीक है, कि आपका पर्सनल पोर्टफोलियो की बात करते हैं 3 करोड़ का है फॉर एग्जांपल। लेकिन उस 3 करोड़ में से सोच लीजिए 1 करोड़ का लोन है आपके ऊपर, चाहे वो पर्सनल लोन हो सकता है या होम लोन हो सकता है, क्योंकि ये आपके ऊपर लाइबिलिटी है, ठीक है, ये आपको पे करना है। तो 3 करोड़ आपके पास है एसेट, आपके लिए लाइबिलिटी क्या हुआ 1 करोड़ हुआ, तो नेट नेट आपके पास आप जो माइनस करेंगे जो आपकी जो एसेट्स है और फिर लाइबिलिटीज के साथ, तो नेट टू नेट क्या रहा 2 करोड़, तो 2 करोड़ क्या रहा आपका टोटल नेटवर्थ रहा। सिमिलरली कंपनी का भी कुछ ऐसा ही होता है, एसेट को लाइबिलिटी से माइनस करते हैं जो बचा कंपनी का नेटवर्थ। जैसे ये सेल है, बैलेंस शीट में मैं जाऊंगा, ये रिजर्व्स और शेयर कैपिटल है, कितना दिखाई दे रहा है 4,131 करोड़ और 48,009 करोड़, आप ऐड करेंगे तो कुछ 52,140 करोड़ के आसपास आएगा जो कि हमको यहां से पता चल रहा है। तो नेटवर्थ आपका हमेशा इंक्रीज होना चाहिए, यहां इंक्रीज इनफैक्ट लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर FY22 में उस समय में हुआ भी था, लेकिन अब थोड़ा सा हमको कॉन्स्टेंट देखने को मिल रहा है। मुझे उम्मीद आपको कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, कहीं पर भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और आपको समझ में आया तो जरूर यस करके कमेंट करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट चीज दोस्तों, डेट टू इक्विटी जिस पर हम बात कर रहे थे, डेट देखिए 0.26 तक कम हो गया था, अभी डेट फिर से 0.56 हो गया है, मतलब डेट इंक्रीज यहां पर हुआ है और जो इंटरेस्ट पेमेंट भी जो हम देख रहे हैं कि इस बार थोड़ा सा इंक्रीज यहां पर हुआ है। अब बात करेंगे वैल्यूएशंस पर। देखिए ये नेटवर्थ जब मैंने आपको समझाया, इसका मतलब क्या है कि कंपनी का थ्योरेटिकली लास्ट में शेयर होल्डर के पास क्या रहा, कंपनी सोच लीजिए कोई भी कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो लास्ट में कंपनी के पास क्या वैल्यू रही, वो नेटवर्थ रही, कितना है 52,140 करोड़ के आसपास में। अब उसको एक शेयर में मुझे कन्वर्ट करना हो तो मुझे क्या मिलता है, बुक वैल्यू, मतलब थ्योरेटिकली 126 बुक वैल्यू है सेल की और शेयर प्राइस कितना है 96.4, मतलब कंपनी थ्योरेटिकली लिक्विडेट हो रही है तो इनफैक्ट शेयर होल्डर्स को ज्यादा पैसा मिलेगा 126 का, लेकिन इससे क्या पता चल रहा है कि कंपनी कहीं कम वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है। लेकिन क्या ये बात सही है, तो इसको हम कैसे पता लगाएंगे, प्राइस टू बुक वैल्यू से,
96.4 डिवाइड बाई जो भी बुक वैल्यू है तो कितना आ रहा है, 0.7 0.8 के आसपास में आ रहा है। ठीक है, अब हिस्टोरिकल देख लेते हैं। अब हिस्टोरिकल ये जैसे 10 ईयर का प्राइस टू बुक है कितना है, 0.7 है। 3 ईयर्स का देख लेते हैं कितना है, 0.7 है। ठीक है, 5 ईयर्स का कितना है, 0.7। मतलब कॉन्सिस्टेंटली मार्केट ने सेल को क्या प्राइस टू बुक दिया है, 0.7 का ही प्राइस टू बुक दिया हुआ है, और अभी भी कुछ 0.7 0.8 के पास में ही ट्रेड कर रहा है। इसलिए दोस्तों हर कंपनी को मार्केट ने एक असाइन किया रहता है। अगेन ये कोई रूल नहीं है, बहुत बार री रेटिंग भी होती है, जैसे अभी आप देख रहे हैं रेलवे या डिफेंस कंपनियों में री रेटिंग हुआ है, प्राइस टू बुक जो पहले था अभी थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया होगा। तो कंपनी टू कंपनी फिर उनके बिजनेस प्रोस्पेक्ट इस पर ये डिपेंड करता है। लेकिन अभी जो डेटा है, हम यहाँ पर डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, तो डेटा से इतना पता चल रहा है कि अपने प्राइस टू बुक के आसपास है। पी रेशियो बहुत ज्यादा यूजफुल हमारे लिए नहीं रहेगा जब हम किसी भी स्टील कंपनी को डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, तो प्राइस टू बुक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है डेट टू इक्विटी, थोड़ा ज्यादा है, 0.59 यहां पर दिखा रहा है स्क्रीनर में, लेकिन कंपनी का जो प्रेजेंटेशन था उन्होंने 0.56 बताया था। जो भी हो कि यहां से इतना पता चल रहा है कि डेट टू इक्विटी थोड़ा ज्यादा है। एनालिसिस में और एक कदम आगे जाते हैं, यहां पर जैसे ट्रेंडलाइन की वेबसाइट में मैंने गया और जब उनके रिजल्ट आए थे तो दो जो ब्रोकरेज रिपोर्ट है, जैसे ICICI सिक्योरिटीज और एक्सिस डायरेक्ट, ये दो ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई थी, ये देखिए ये ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई थी, इन दोनों का मैंने पढ़ा और उसका एनालिसिस किया। और उनका एनालिसिस मैंने कहां पर किया, इन दोनों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का, मैंने चैट जीपीटी में किया, और वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और उन्होंने क्या कहा है उसका एक समरी आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे क्वार्टर वन का परफॉर्मेंस ICICI सिक्योरिटीज का कहना है कि बेटर देन एक्सपेक्टेड है, और जो एक्सिस का है कि इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन है। हो सकता है प्रॉफिट कम हुआ हो, लेकिन देखिए ब्रोकरेजेस को स्टील साइकिल और उनका स्टडीज रहता ही है, तो उनको पता होगा कि हाँ ठीक है कोयले का प्राइस यहाँ पर इंक्रीज होने वाला है, तो हो सकता है प्रॉफिट जो है कम हो जाए। तो जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था वैसा ही रिजल्ट आया, तो उनके लिए कोई सरप्राइजिंग नहीं था। ठीक है, सरप्राइजिंग होता तो इसका मतलब जो हो सकता है स्टॉक प्राइस बहुत टूट जाता, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है ना। फिर कोकिंग कोल का इंपैक्ट है, जो कि हमने देखा कि कोकिंग कोल के प्राइस बढ़े हैं और उससे इंपैक्ट हुआ है एबिटा में, इनका भी वही कहने का है। लेकिन एक्सिस ये कह रही है कि कोकिंग कोल का जो कॉस्ट है क्वार्टर टू से कम होगा, तो हो सकता है एबिटा आगे बढ़ सकता है। बोरोइंग इंक्रीज हुआ है, ये एक चीज है, और हमने देखा कि जो डेट टू इक्विटी है वो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। डेट ट्रेजेक्टरी कैपेक्स गाइडेंस तो यहाँ पर थोड़ा रहा है कि वो अभी आगे आने भी वो कैपेक्स करने वाले हैं, डेट बढ़ सकता है। अपकमिंग कैपेक्स प्लान तो उन्होंने प्लान यहाँ पर किया हुआ है, एक्सपेंशन का प्लान किया है, मतलब और खर्चा करेंगे, ये पता चल रहा है। मार्जिन एक्सपेक्टेशन, अब मार्जिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अच्छा हो, मतलब एबिटा और अच्छा हो सकता है, क्योंकि कोल का प्राइसेस जब ये रिजल्ट आए थे उस समय मैनेजमेंट ने जो कहा होगा कि कोल के प्राइस यहाँ पर कम हो रहे हैं, तो क्वार्टर टू में मार्जिन और अच्छे हो सकते हैं। फिर उन्होंने जो भी टारगेट रिकमेंडेशन जिस पर हम बात नहीं करते हैं तो उन्होंने दिया हुआ था। तो मैंने फिर 5 इनसाइट्स बाहर किया था, और 5 इनसाइट्स उन्होंने क्या दिया है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। कि इनसाइट क्या है, ICICI सिक्योरिटीज के हिसाब से अच्छा रिजल्ट आया है, एक्सिस सिक्योरिटीज के हिसाब से उन्होंने एक्सपेक्टेशन को मीट किया है। केपेक्स का कंसर्न है, जो कि एक्सिस सिक्योरिटीज कह रहे हैं कि आपका जो डेट है थोड़ा बढ़ा है, और यहाँ पर चूंकि केपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, अपने ग्रोथ के लिए जो खर्चा कंपनी करती है, तो हो सकता है एग्जीक्यूशन रिस्क हो या फिर कॉस्ट ओवर रन, तो वो थोड़ा सा एक चिंता जैसा उन्होंने जताया है। बाकी जो कोकिंग कोल के जो प्राइसेस हैं जिसकी वजह से मार्जिन इंपैक्ट हुए थे, उसमें अब इंप्रूवमेंट यहां हो सकता है, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। डेट मैनेजमेंट की भी उन्होंने बात की है कि डेट जो है वो रिड्यूस करना चाहते हैं, लेकिन उसको थोड़ा मॉनिटर करने की जरूरत है। और जो रेटिंग जो है उन्होंने चेंज किया है, एड का रेटिंग, और यहां पर दूसरा रेटिंग दिया हुआ है उन्होंने, जो भी कंपनी है उन्होंने, तो उससे इतना पता चल रहा है कि जो रिजल्ट आए हैं जितना एक्चुअली में जितना खराब दिख रहा है उतना खराब नहीं आए हुए हैं, कि एबिटा यहां पर गिरा है, लेकिन डेट को लेकर थोड़ा कंसर्न्स यहां पर देखने को मिल रहा है जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, जब सेल की बात कर रहे हैं। और ये जो बिजनेस है टोटली साइक्लिकल बिजनेस है, जब अच्छी साइकिल जाती है, जब रियलाइजेशन बहुत मजबूत होते हैं, जब खासकर 2021-22 में हमको देखने को मिले थे, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट सेल ने किया हुआ था, तो उसको भी ध्यान में रखना है दोस्तों। तो ओवरऑल उनको रियलाइजेशन अच्छा मिले तो अच्छा है, और कॉस्ट कम हो जैसे कोकिंग कॉल तो उनके लिए पॉजिटिव। असल में दोस्तों चैट जीपीटी में मुझे बहुत हेल्प हुआ जब मैं एनालिसिस कर रहा था, मेरा कुछ घंटों का काम कुछ मिनटों में हो गया था। इनफैक्ट ये जो लर्निंग्स हैं, जो स्टडी है, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ मास्टर AI पावर्ड स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटेजीज में। यहाँ पर स्मार्ट इन्वेस्टिंग पर हम 8 लाइव क्लासेस लेने वाले हैं। लाइव क्लासेस गणेश चतुर्थी के बाद सितंबर 23 से शुरू हो रही है, अक्टूबर 5 तक 8 लाइव क्लासेस होने वाली है। मैं यहाँ पर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टिंग समझाऊंगा, सेक्टर एनालिसिस, डिविडेंड इन्वेस्टिंग और स्मार्ट कुछ स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। कोई टिप्स पर बात नहीं होगा, सिर्फ प्योर लर्निंग पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमारे इस कोर्स के साथ साथ फ्री आपको 2 कोर्स, स्टॉक सिलेक्शन का और डिविडेंड इन्वेस्टिंग का, जिसका वर्थ 2100 का है, हमारे सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कोर्सेस हैं। इनके वीडियोज आप अभी से ही देख सकते हैं, अगर आपने इनरोल किया है तो ऑलरेडी 20 से ज्यादा वीडियोज हैं। आप लाइव क्लास से पहले ऑलरेडी ये लर्निंग को अभी से ही ले सकते हैं, प्लस दूसरे भी लर्निंग मटेरियल मैंने शेयर किए हुए हैं। साथ साथ चूंकि AI पर फोकस है तो प्रॉम्प्ट्स पर
मेरा फोकस रहेगा, जिसकी वैल्यू इनफिनाइट है। मैं आपके साथ 50 से ज्यादा एआई प्रॉम्प्ट्स शेयर करने वाला हूं, लर्निंग मटेरियल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और इन्वेस्टिंग चेकलिस्ट बाय डे 8 आपके पास इन्वेस्टिंग चेकलिस्ट आपकी खुद की रेडी होनी चाहिए। तो इन्वेस्टिंग चेकलिस्ट आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं, और आप खुद कैसे अपनी खुद की इन्वेस्टिंग चेकलिस्ट बना सकें और क्या क्या लर्निंग मटेरियल आपको हर महीने देखने चाहिए उसके बारे में मैं बात करूंगा। कोर्स एक बड़े डिस्काउंट में है, 62% का डिस्काउंट है, और गणेश जी करके कूपन कोड है जिससे आप एडिशनल 500 रुपीज आपको मिल सकता है। ये एक प्राइवेट कम्युनिटी रहने वाली है व्हाट्सएप में, यहां पर मैं रहूंगा और डायरेक्टली इंटरेक्ट करूंगा जो भी लर्नर्स हैं उनके साथ। ऑलरेडी बहुत सारी सीट्स यहां फिलअप हो चुकी है, कुछ लिमिटेड सीट्स ही यहां पर है दोस्तों। रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस आपके लिए हमेशा रहेगा, आपको हमारा अर्ली फाइनेंशियल आजादी का ऐप को डाउनलोड करना है। अगर आपके पास एंड्रॉइड है तो कुछ ऐसा दिखेगा, अगर आपके पास एप्पल है तो आपको LGIGZ करके कोड को एंटर करना है। मैंने ऐप की लिंक को डिस्क्रिप्शन में दिया है, कोर्स की लिंक को भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। आपको बस डाउनलोड करना है और उसके बाद जो हमारा कोर्स है उसको सर्च करना है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है, और गणेश जी कोड को आपको इंटर करना है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लास्ट में दोस्तों, ये सिर्फ 14 डेज की लर्निंग नहीं होने वाली है, ये जो आप लर्निंग और की लेसन लेके जाने वाले हैं ये ऑल लाइफ के लिए आप सीखने वाले हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।